हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से रथयात्रा का खूब सारा शुभकामनाएं। तो आज के इस पवित्र दिन में मैंने आप सभी के लिए एक ट्रेडिशनल खीर का रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस वाले रेसिपी को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स लिया हुआ है वो है एक कटोरी बासमती राइस। मैंने यहाँ पर जितना बासमती राइस लिया हुआ है उसका 1.5 गुना चीनी लिया हुआ है, मिल्क मेड। खीर में डालने के लिए बासमती लीफ या फिर आप इसे अन्नपूर्णा लीफ कहिए, कुछ ड्राई फ्रूट, किशमिश, देसी घी 2 चम्मच और 1/2 लीटर मिल्क। तो चलिए अब बनाते हैं। तो चलिए अब इस कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी को डाल देते हैं। अब इसे मेल्ट कर लेंगे। अब इसी में मैंने जो बासमती राइस लिया हुआ था इसे मैं डालकर इसे अच्छी तरह से रेड कलर होने तक मैं इसे भून लूंगी। इस तरह चावल को थोड़ा सा भून लेने से उसका स्टिकीनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, हमें इसका कलर कुछ इस तरह का चाहिए था। तो ये अब हो चुका है, मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया हुआ है। अब मैंने जो सारे चावल को पका के रखा हुआ था मैं उसको पूरा का पूरा इसमें डाल दूंगी। और हमने यहाँ पे जितना चावल लिया हुआ था उसका 4 गुना पानी अब हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे 4 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। तो देखिए, अब ये पकने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। तो चलिए अब मैं इसे एक पतीला में निकाल लेती हूँ। अब हम गैस को 3 आंच में रख देंगे और इसमें मैंने जो मिल्क लिया हुआ था उसे मैं अब इसमें पूरा का पूरा डाल दूंगी। अब हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। ध्यान रखिए कि जब तक ये अच्छी तरह से उबल न जाए तब तक हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। तो देखिए, अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब मैं इसमें मिल्क मेड डाल दूंगी। मैं यहाँ पे करीब 100 ग्राम मिल्क मेड इसमें डालूंगी। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप यहाँ पे अमूल स्प्रे या फिर कुछ भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए, अब हम इसमें जो खीर में डालने के लिए पत्ता अन्नपूर्णा लीफ को मैंने रखा हुआ था उसे मैं डाल देती हूँ और इसे उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए, तब तक हम थोड़ा जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया हुआ था उसे हम रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन में 2 चम्मच घी डाला हुआ था। अब इसमें मैं अच्छी तरह से इस जो ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से रोस्ट कर लूंगी। तो देखिए, अब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम बाद में खीर में डालेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे खीर भी अच्छी तरह से उबलने लगा है। अब मैं इसमें चीनी, जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा हुआ था उसे मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे मिला लेंगे और इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, अभी अच्छी तरह से उबलने लगा है। हमें इसे पूरी तरह से गाढ़ा नहीं बनाना है क्योंकि जब ये खीर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ही गाढ़ा बन जाएगा। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और फिर गैस को हम बंद कर देंगे। तो चलिए, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। तो देखिए, अब ये खीर फाइनली कितना सुंदर तरीके से रेडी हो चुका है। तो आप सब भी ये वाला रेसिपी अपने अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको आज का रेसिपी कैसा लगा।